हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, आपका सपना डॉक्टर बनने का है और आपका एडमिशन इंडिया के किसी भी कॉलेज में नहीं हो पाया है तो अभी भी 31 अक्टूबर 2018 तक का समय है। अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो अभी भी एब्रॉड जा सकते हैं, क्योंकि एब्रॉड में काफ़ी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2018 रखी है। यह इस साल उन स्टूडेंट्स के लिए मौका है जो नीट की एग्जाम नहीं दे पाए थे या फिर क्वालिफाई नहीं हुई थी। 2019 में तो आपको नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इस साल वन टाइम एग्जेप्शन इसलिए दिया गया था क्योंकि माननीय न्यायालय ने उन स्टूडेंट्स को एब्रॉड से MBBS करने की छूट दे दी थी जो नीट की एग्जाम नहीं दे पाए थे किसी कारणवश। अब उन स्टूडेंटों के साथ अन्याय हो रहा था जिन्होंने नीट तो दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, तो कोर्ट ने दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को छूट दे दी, वो भी सिर्फ 2018 के लिए। तो जो स्टूडेंट साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं वो अभी भी 31 अक्टूबर तक एब्रॉड जा सकते हैं MBBS के लिए। मगर यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, एब्रॉड के लिए वही स्टूडेंट जाएं जो FMGE टेस्ट क्लियर करने का जज्बा रखते हैं, क्योंकि वहाँ से आकर के आपको FMGE टेस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इंडिया से ही डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक यहाँ भी समय है आयुष में एडमिशन लेकर के। अभी काफ़ी स्टेट में आयुष की काउंसलिंग चल रही है। यूपी में तो मोपअप रजिस्ट्रेशन की आज 27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। बाकी स्टेट में भी कहीं पर सेकंड राउंड चल रहा है तो कहीं पर मोपअप राउंड चल रहा है। तो आप इंडिया से भी आयुष कोर्स करके डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि 31 तक यहाँ भी नीट के लिए ये जरूरी नहीं होगा नीट, क्योंकि कर्नाटक स्टेट में तो ये हो गया है कि बिना नीट के ही आप आयुष में एडमिशन ले सकते हैं, बिना नीट क्वालिफाई या बिना नीट दिए ही ले सकते हैं। तो ये बाकी स्टेट में भी एक दो दिन में हो जाएगा, यानी 31 तक ये एडमिशन मिल सकता है इंडिया में भी। तो अभी इंडिया में भी धीरे धीरे आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, यह एक अच्छा कोर्स है। दूसरी बात यह है कि यूपी में जैसे प्राइवेट कॉलेज की फीस 2 से 3 लाख के बीच में BMS की है और वहाँ की प्राइवेट कॉलेज में ऑल इंडिया स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। तो मेरा तो सोच यही है कि अगर आप एब्रॉड से MBBS करें इससे तो अच्छा है आप इंडिया से आयुष कोर्स कर लें, क्योंकि NMC बिल लागू हो गया तो आयुष डॉक्टर को भी ब्रिज कोर्स का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि आप अभी भी समय न गंवाते हुए डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं इन 5 दिनों के अंदर। इसके अलावा आप ये दोनों ही नहीं करना चाहते हैं और 2019 में नीट की एग्जाम देकर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहते हैं तो नीट 2019 के रजिस्ट्रेशन शुरू होने के भी 5 ही दिन बाकी हैं। 1 नवंबर 2018 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन कर दो और इतनी तैयारी के साथ एग्जाम दें कि आपका सिलेक्शन किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। तो दोस्तों, 2019 में पूरी तरह मैं आपके साथ हूँ आपको मार्गदर्शन देने के लिए। मैं समय समय पर कॉलेज के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। जैसे मैंने अभी तक 2019 की कट ऑफ के बारे में बता दिया है, BHU FMC में एडमिशन कैसे लें उसके बारे में बता दिया है, और बाकी कॉलेजों के बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा कितनी आपको कट ऑफ चाहिए, कैसे कैसे एडमिशन लेना है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई
वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, नई अपडेट के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।